सारा, ये लो तुम्हारे कपड़े प्रेस हो गए। तो मैं क्या करूं? कबर्ड में रखो। और क्या करोगी? अगर ये मुझे करना है तो तुम क्या करोगी? अब तुम कहोगे कि तुम बहुत थकी हुई हो, पूरे घर का काम तुमने किया है, काम वाली नहीं आई थी, दादी का कमरा तुमने साफ किया और अम्मी ने भी सारे किचन का काम तुमसे कराया है ना? हाँ ये तो सच है, मैं वाकई बहुत थक गई। अच्छा देखो प्लीज पहले मेरे कपड़े हैंग कर देना और उसके बाद ये रूम भी जरा सेट कर देना, कितना बिखरा हुआ है, मुझे उलझन होती है बहुत सारा मैस देख के। ठीक है? मैंने अभी सुबह तो तुम्हारा रूम साफ किया है। उफ, तुमसे तो बात करने ही महाल है, बहस के अलावा कोई बात मानती ही नहीं हो तुम। मम्मी और दादी बिल्कुल ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में। सारा तुम ना नीलम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, कहीं जाके ऑडिशन वोडिशन दो, ऐसे घर के कामों में अपने आप को वेस्ट कर रही हो। लगता है पप्पू आ गई, मैं सलाम करके आती हूँ। आली, अम्मा ये दवाइयां ड्राइवर लेकर आया था। आए। अच्छा, अल्लाह मेरे बच्चों के रिज़्क रोजी और इल्म और ईमान में बरकत डाले। क्या टाइम हो रहा है? ये कोई 5 बज रहे होंगे। ये सब तो बाद में भी हो सकता है। अरे क्या बाद में हो सकता है, बाद बाद में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है अभी होता है, इसी लम्हे मौजूद में। पर इस बात को हमारे दरमियान से निकाल क्यों नहीं देती हो तुम? अहसन भाई प्लीज छोड़े, मुझे छोड़े। चुप, आवाज मत करना। कब तक ऐसे इग्नोर करोगे मुझे? क्या हुआ? ऐसे अनजान तो मत बनो। मैंने किया क्या है? दुख और हैरत की बात तो यह है कि तुम जानते ही नहीं हो कि तुमने क्या किया। शाहीन अभी तक नहीं आई, हालांकि कहा था जल्दी आ जाए। क्यों, किसी खास काम से बुलाया उसको? हाँ, वो ऐसन के लिए मशवरा करना था। क्या कहती हो? अम्मा सारा भी तो है। आप छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। छोड़ दूंगा, पर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तुम जो कहोगी वही करूंगा। कौन सा सवाल? मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर सब कुछ बेमायने है, मुझे अपना वजूद भी बेमायने लगता है। इज्जत भाई प्लीज इस तरह की बातें ना करें मुझसे। तो ऐसी बातें सोचने पे मुझे किसने मजबूर किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुमने किया है, तुम्हारे सोसन ने, इस खूबसूरत चेहरे ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। शाहीन अजहर भाई नहीं आए साथ में? अरे क्यों नहीं आया होगा, मैंने उसको फोन पे कहा था कि जरूर आए। अम्मा अजहर को आज रात फ्रैंकफर्ट जाना पड़ गया, मैं भी बस थोड़ी देर के लाई हूँ, वो मेरे साथ ही आ रहे थे, बल्कि उन्होंने खास कहा कि अम्मा से माजरत कर लेना। अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, रिज़्क में बरकत डाले। आमीन। माशाल्लाह से चंद दिनों में कारोबार में बड़ी तरक्की की है। आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। लगता है तुमने मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया सारा। कौन सा मशवरा? थर्ड क्लास रोमांटिक मूवीज देखना बंद कर दो। तुम ना आली रोमांटिक मूवीज देखना शुरू कर दो। शट अप। सच कह रही हूँ आली, बर्फ की तरह बेहिस हो गए हो, और बर्फ जब ग्लेशियर बनती है तो पत्थर की तरह बेजान हो जाती है। और उस पत्थर से टकरा कर जो पाश पाश होगा ना सारा, वो तुम होगी, सिर्फ तुम। इसलिए मुझसे मत टकराओ।
एक दो घंटे तो रुकोगी ना, कुछ खा पी के जाना। नजमा जी, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आप मुझे मजेदार सी चाय पिलवा दीजिए। जरूर। वालेकुम सलाम, आ गया मेरी आंखों की ठंडक। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? तुम बैठो, गपशप लगाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तो सच बोल दो ना। कौन सा सच? मुझे नहीं चाहती, प्यार नहीं करती मुझसे। नीलम सच बोलना, बिल्कुल सच। एहसान, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अम्मी आप देख रही हैं इसे? मैंने इसको बोला मेरी शर्ट का बटन लगा दो तो आगे से। क्या कहा इसने? आगे से बकवास करने लगी, कहने लगी मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। ये कहा तुमने इससे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? ताई अम्मी, इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था। तो फिर क्या कहा? ये मुझसे कह रहे थे कि झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ऊपर से आपको और सबको बुरा भला बोल रही थी। कह रही थी कि अगर मेरा इस घर में कोई अपना होता तो ये सब कुछ ना होता मेरे साथ। अरे ये लड़की ये सब कुछ नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा कि किस माँ की बेटी है जो इसे हमारे सर पे थोप के खुद दफन हो गई थी। एहसान फरामोश लड़की, तुम कैसे हमारे एहसानात मानोगी जो हम तुम पे कर रहे हैं? लेकिन ताई अम्मी, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। एहसान भाई कह रहे थे कि बस कर दो, आखिर तुम्हारे भी वैसे ही लक्षण है जैसे तुम्हारी बेशरम माँ के थे। तुम्हें तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तो रत्ती भर इज्जत नहीं है। लेकिन एहसान, आइंदा मैं ना तुम्हें देखूं इसके साथ कहीं भी अकेले में। अरे अम्मी मैं कहां था इसके साथ, ये खुद ही मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने इसको आगे से कहा कि मेरी शर्ट पे बटन लगा दो तो ये शुरू हो गई बकवास करना। जानती हूँ बेटा मैं तुम्हें भी और इस लड़की को भी। अब यहाँ खड़ी क्या तस्वीर बहा रही हो अपनी माँ पर? जाओ जाके किचन संभालो। जी अम्मी आई। अगर इस घर में अपनी थोड़ी सी भी इज्जत चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूं, यही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। मैं गलत रास्ते से उसको अप्रोच कर रही हूं, वो इस तरह तो मुझे ही गलत समझेगा कि मैं अच्छी लड़की नहीं। मैं अच्छी लड़की हूँ, मुझे उस पर ये साबित करना होगा। बेगम साहब कह रही हैं चाय तैयार नहीं हुई, शहीन बीबी ने थोड़ी देर में वापस भी जाना है। तैयार हो गई है, बस आकर ले जाना थोड़ी देर में। मुझसे तो नजमा बीबी ने ऊपर वाले कमरे से कुछ सामान मंगवाया, चाय तैयार हो जाती है ना तो आप ले जाए। आप सिफारिश करें ना मेरी आवाज जान से। सारा क्या है अम्मी, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे शौक है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हें कोई शौक नहीं था, याद नहीं है वो इंटर के एग्जामिनेशन कितनी बड़ी मुसीबत बन गए थे? किसी का पढ़ने को दिल करता है एग्जाम्स में? इनफैक्ट दिल करता है आगे पढ़ना ही छोड़ दे इंसान। नजमा भाभी, अगर इसे शौक है आगे पढ़ने का तो पढ़ने दीजिए ना, लेने दीजिए कॉलेज में एडमिशन। वालेकुम सलाम। Thank you. ये नीलम भी तो है। अरे तौबा करो, इसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। ये बाहर जाती थी तो मेरा दिल हॉल खाता था, ना जाने बाहर जाके क्या कर बैठे। क्या तो आप ठीक रही हैं, वैसे देखकर खौफ ही आता है। मैं तो इसी जोड़ तोड़ में लगी हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो इज्जत से इसे रुखसत कर दो। अच्छी सोच है अम्मा आपकी, पर मेरी सोच से क्या होगा? जब भी कोई रिश्ता आता है पहले इसकी माँ का जिक्र आ जाता है और रिश्ता वहीं खत्म। अम्मा इसीलिए तो कहती थी कि इसको भी अपनी माँ के साथ चलता करे। अरे भेज तो रही थी, तुम सब लोगों के सामने ही था ना, किस तरह धुतकार कर चली गई थी। अब मैं जवान बच्चों के सामने क्या बात करूं। नानू इसमें नीलम का क्या कसूर, और अब तो इतने साल हो गए। जितने साल इस वाक्य को हुए ना उतने साल हो गए मुझे अपने फैजी की सूरत देखे हुए। आपने तो फैजी से पिछले साल ही मुलाकात की थी जब उसने आपको हज करवाया था। मुझे देखिए, बहन होकर भी बरसों बीत गए, अपने भाई की शक्ल तक ना देखी मैंने। अरे क्या खाक मिली हूँ, हज करा के मुझे जहाज पे बैठा दिया, खुद लंदन चला गया,
अच्छी तरह सूरत भी ना देख पाई। अच्छा माँ, अब प्लीज अपना दिल बुरा ना करें, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मन उस दिन था जिस दिन ज़रीन फैज़ी की जिंदगी में आई। मैं तो बद्दुआ देती हूँ, ऐसी मनहूस औरतें रोए जमीन पे ना आए जिनकी वजह से मर्द घर छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह मेरा फैजी चला गया। रक्षंदा, क्या हुआ, आज तुम क्लिनिक ले गई? तुम रो रही हो, क्या हुआ? अभी ने बुलाया ना तुम्हें? हाँ वो नहीं, एक्चुअली मैंने उन्हें कॉल की थी उनकी तबीयत पूछने के लिए। उनकी आवाज से लगा जैसे उनकी तबीयत खराब है। वो खुद भी कहने लगी कि आज कुछ अच्छा फील नहीं कर रही, इसलिए मिलने चला आया। क्या वो खैरियत ठीक तो है ना? वो पता नहीं। क्या मतलब, तुम्हें नहीं मालूम? फिर कोई झगड़ा हुआ? मुस्तफा, क्या मैं झगड़ा करती हूँ? आई गॉट इट, वही बात हो गई। देखो खामखा की जिद है और कुछ भी नहीं। प्लीज तो मम्मी के पास चले जाओ, अगर उनको पता चल गया कि तुम पहले ऑफिस से आकर मेरे साथ बैठे हो, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं जो हूं तुम्हारे साथ, फिर क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं मुस्तफा, किसी चीज का यकीन नहीं रहा, किसी का भरोसा नहीं रहा, खुद का भी नहीं। हर बात से बाहर उठ गया मेरा। प्लीज रक्षंदा, प्लीज संभालो खुद को। मुस्तफा बेटा। जी अम्मी, आ रहा हूं मैं। तुम जाओ अपने रूम में, मैं अम्मी से मिलकर आता हूं तुम्हारे पास। एंड प्लीज प्लीज रोना मत, एटलीस्ट मुझे भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना चाहिए, मेरे अपने लिए भी कोई स्पेस होना चाहिए। हाँ? मैं आता हूं। नीलम, प्लीज यार, मेरा क्या कसूर है, मुझसे क्यों नाराज हो? अच्छा और मुझे कौन बताएगा कि मेरा क्या कसूर है? भी अंदर मैंने सबके सामने यही बात कही है ना, यही सब कहा था ना। कहने से क्या होता है, जब इस घर में इस बात को कोई मानेगा ही नहीं, कोई तस्लीम ही नहीं करेगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता एहसास तो दिलाया जा सकता है ना कि माजी में जो कुछ भी हुआ इसमें नीलम का कोई कसूर नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत खूब कहा। इस बात को 20 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, अब तक इस घर में ये बात कोई भूला तक नहीं है, तो फिर मानेंगे कैसे? क्या मैंने अपनी माँ से कहा था कि वो सब कुछ करे? क्या मैंने आगा जान से कह दिया था कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं? इस सारे किस्से में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। माँ बाप के होते हुए भी यतीमों वाली जिंदगी गुजार रही हूँ मैं यहाँ, लेकिन फिर भी सबके सब मुझे ताने देते रहते हैं, जिद और अना पर अटके हुए। यार छोड़ दो ना, इतने दिन बाद तो आया हूँ मैं। हाँ तो अपनी मर्जी से आयो ना, कौन सा मेरे लिए आयो? यार तुम्हारे लिए ही तो आता हूँ मैं। अच्छा तो अपने बड़ों के सामने ये बात कर सकते हो जाकर? तुम्हारा क्या ख्याल, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? हो भी सकता है। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। ओह, तो इस घर में मेरे अलावा भी किसी को इंसल्ट फील होती है, वरना मैं समझी कि ये तो मेरे ही नसीब में लिखा हुआ है। चलो मेरे साथ, मैं अभी अम्मी से तुम्हारे लिए बात करता हूँ, नानू और मानी के सामने।
तुमने मुझे इतना बुजदिल और घटिया समझ रखा है। चलो आली, नहीं प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब तुम पीछे नहीं हट सकती क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। चलो मेरे साथ। आली खुदा के लिए, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, किसी से कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज। मजाक कर रही थी। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आली, आली, रक्षी, रहीम, रक्षी बीबी कहाँ गई है? जी वो तो क्लिनिक चली गई। क्लिनिक चली गई? ठीक है तुम जाओ। यास्मी नाम है इसका। शक्ल प्यारी है ना नाम की तरह। ठीक है कौन ये? मेरे चचेरे भाई की नवासी है, रिश्ते में तुम्हारे मामू लगते हैं। अब्दुल करीम की बेटी है, बेचारी की बचपन में माँ मर गई, सिर्फ बाप है, बहन भाई कोई है नहीं। इखलाक में, आदतों में बहुत सुलझी हुई है। यानी आप लोग मिल चुके हैं, देखभाल भी लिया है, फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है अम्मा? अरे नहीं नहीं शाहीन, ये तो फातिमा के घर में हमें मिलाद पे मिली थी। नजमा बेचारी तो गई नहीं वहां, ना मैं उसके घर गई हूँ। तस्वीर खुद उड़कर आ गई। अरे नहीं शाहीन, ऐसी बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। ये तस्वीर हमने फातिमा के घर से मंगवाई है, बल्कि ये उसी मिलाद की तकरीब की तस्वीर है, अम्मा के कहने पे मंगवाई थी। तो अब है? अब तुम बताओ ना कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ठीक है, बात आगे करते हैं। अम्मा आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर क्यों डाल रही हैं? नजमा भाभी से पूछिए और ऐसा जिसका रिश्ता होने वाला है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हम ऐसन को भी अपने साथ ले जाते हैं, रिश्तेदारी है और लड़की को देख भी लेगा वो। अगर पसंद आती है तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना उसी वक्त खत्म कर देंगे। कैसा आइडिया है? आइडिया तो बुरा नहीं है, क्यों नजमा? हाँ माँ, मगर मैं चाह रही थी कि पहले सारा का कहीं हो जाता, तो एहसन का तो अभी इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। अरे भाई अगले महीने पर्चे हैं, पढ़ाई भी हो जाएगी, लेकिन एहसन की शादी बहुत जरूरी। तो क्या एहसन शादी नहीं करना चाहता? अरे नहीं, मेरा बच्चा तो इतना मासूम है, उस बेचारे के तो फरिश्तों को भी इस मामले की खबर नहीं है। भाई तुम्हें तो पता है ना शाहीन, इस घर में हुस्न की फितना लड़की जो है ना, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। डॉक्टर साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन चेहरा तो पीला पड़ रहा है आपका। नहीं कुछ खास नहीं। अच्छा पेशेंट्स हैं बाहर? जी दो औरतें हैं। ओके भेज दो उन्हें बारी बारी। जी अच्छा। जी मुस्तफा पहुंच गई हूँ। मुस्तफा अभी पेशेंट के साथ हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम हो ही झूठ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? क्योंकि मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम झूठ बोलोगी और तब तक बोलती रहोगी जब तक तुम रंगे हाथों सबके सामने नहीं पकड़ी जाती। ठीक अपनी माँ की तरह जिस तरह तुम मुझे शाड़ा बोलोगी, जिनका खाती हो उन्हीं को आंखें दिखाती। जिस तरह तुम अपने बाप के घर में रह रही हो ना, ठीक उसी तरह मैं भी अपने बाप के घर में रह रही हूँ, और जो कुछ खा पी रही हूँ, पहन ओढ़ रही हूँ, वो अपने बाप के भेजे हुए पैसे से। वाह क्या बात है तुम्हारी। वो बाप जिसने कभी किसी गाली की तरह तुम्हारा नाम अपने मुंह से नहीं निकाला, वो पालेगा तुम्हें। अच्छी खुशफहमियां है मैडम। और हाँ, ये जो तुम खा पी रही हो और पहन ओढ़ रही हो ना, ये सिर्फ उन पैसों से है जो आगा जान दादी जान को यतीम बच्चों की जकात और खैरात के लिए भेजता। मैंने खुद सुना है दादी जान से। मुझे तुम्हारी इस बकवास पर बहुत गुस्सा आता अगर इसमें 1% भी सच्चाई होती। और हाँ, अगर मैं अपने बाप की खैरात और जकात के लिए भेजे हुए पैसों पर पल रही हूँ, तो फिर तो शायद बेचारी दादी जान भी वही पैसे इस्तेमाल कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ जो कि तुम कभी सुनना नहीं चाहोगे। एंड बाय द वे,
زکات خیرات اولاد یا ماں باپ کو نہیں دی جاتی. ہاں لیکن دوسرے رشتے داروں کو دی جا سکتی ہے, جیسے کہ بھائی کے بچے. نیلم میں تمہارا منہ نہ سن. اپنا یہ غصہ اور نفرت سنبھال کے رکھو, آگے کے وقت میں بہت کام آئے گا تمہیں. اور ہاں یہ تو تمہیں لگ رہا ہے نا کہ میرے اور آلی کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی, یہ تم سوچ لو. کیا پاکستان آ رہے ہو؟ ارے میرے تو ہونٹ سوکھ گئے دعا کرتے کرتے کہ مرنے سے پہلے تجھے جی بھر کے دیکھ لوں. آخر تجھے بوڑھی ماں پہ ترس آ ہی گیا. شاہین فیضی پاکستان آ رہا ہے. وہ آغا جان سے میری بھی بات کرائے گا. ہاں فیضی. ارے بھائی خالی اما تمہیں یاد نہیں کر رہی, میں بھی کرتی ہوں, بلکہ تمہاری بھابھی بھانجے بھتیجے سب تمہارے منتظر ہیں. اب تم پلان چینج مت کر دینا. پپو مجھے بھی بات کرنی ہے آغا جان سے. اما بھی خدافظ کہہ رہی ہیں. ہاں انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا. ہاں اللہ حافظ. پپو آپ نے میری بات کیوں نہیں کروائی؟ چلے چل. اچھا تو گویا امی اور دادی کے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ کہیں میں نیلم کو پسند کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھوں, اسی لیے وہ پیشگی بندوبست کر رہے ہیں. نہیں میں نے صاف بتاؤں گا کہ نیلم نہیں تو کوئی بھی نہیں. اس کو اتنی گہرائی میں سوچا جا رہا ہے بھائی؟ نیلم نیلم کے بارے میں سوچ رہے تھے اصل میں. وہ ہاں دادی نے کہا تھا کہ جا کے نیلم کو بلا کر لے کر آؤ, کوئی ضروری کام ہوگا. نہ جانے کیوں تمہیں سب دکھ دیتے ہیں نیلم. میں تمہیں ایک دن چھپا کر سب سے دور لے جاؤں گا, بہت دور. آلی کن سوچوں میں گم ہو تم؟ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ جو میں کہہ رہی ہوں تم سن نہیں رہے ہو. میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو اس لیے. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں اتنی گہری سوچ میں رہ کے ڈرائیونگ کرو گے تو ہم دونوں کا اللہ ہی حافظ ہے. میرا دھیان صرف سامنے ہی ہے. بہتر ہے تمہارا دھیان سامنے ہی رہے, ادھر ادھر نہ بھٹکے. ارے یہ ابھی تک برتن نہیں دھلے تم سے, اب تو رات کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے. جی تائی جان بس ہو گیا ہے, کھانا بھی لگا رہی ہوں. ایک کام کرنے میں تمہیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں کن نامراد سوچوں میں کھوئی رہتی ہو تم. نہیں تو یہی انداز تھا تمہاری ماں زرین کا بھی, اگلے کو جھوٹا ثابت کر کے ایسی معصوم سی شکل بنا لیتی تھی کہ سامنے والا اپنی نظروں میں خود ہی گر جاتا تھا. جاؤ اماں بلا رہی ہیں تمہیں, ان کے پیروں میں درد ہو رہا ہے, جا کر دیکھو انہیں. جی. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ, اللہ کرے آپ بہت سال جیئیں صحت و تندرستی کے ساتھ. بس بس رہنے دے, بہت گھسی پٹی لائن ہے, بہت لوگوں نے بولی ہے. ویسے بھی کس نے کتنا جینا ہے اس کا نہ تمہیں علم ہے نہ مجھے. تو اب آپ ہی مجھے بتائیے کیا بولوں اور میں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے مایوسی کی باتیں تو مت کیجیے. سچ بتاؤں بیٹا میں مایوس ہو چکی ہوں, چار سال ہو گئے. اور کمپلیٹ چار سال نہیں تو دو مہینے بعد ہو جائیں گے نا. امی آپ کو کیا لگتا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو, چار سال کا عرصہ کیا بہت زیادہ ہوتا ہے؟ بیٹا چار سال کا عرصہ مجھے چار صدیوں کے برابر لگتا ہے. ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ شمار کیا میں نے, میرے پاگل پن کو میری بے بسی کو تم نہیں سمجھ سکتے. فکر مت کیجیے آپ, میں نے امریکہ میں کچھ ڈاکٹر سے بات کی ہے, مجھے کافی ہوپ ہے انشاءاللہ ہماری اولاد ضرور ہوگی. ضرور ہو جائے گی, لیکن تب تک شاید میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی بیٹا. پلیز ایسی باتیں مت کیجیے. بیٹا تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے ڈاکٹرز نے تھوڑا سا ٹائم دیا ہے چند سالوں کا, اور وہ چند سال کیسے گزر رہے ہیں دنوں میں گھنٹوں میں تازہ ہی نہیں ہو رہا. امی میں بتا تو رہا ہوں میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے امریکہ میں. تم مجھ سے بات کرو بیٹا, تم دوسری شادی کر رہے ہو, بس یہ میرا آخری حکم ہے. امی پلیز آپ کھانا کھائیے, کھانا کھائیے.
मुस्तफा तुम्हारे लिए ये मामूली बात है। जिस तरह अम्मी कह रही थी ना, मुझे नहीं लगता वो कभी भी इस मुतालबे से पीछे हटेंगी। तुम्हें क्या लगता है रक्षी, शादी करना और उसे निभाना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं, लेकिन बड़ों के लिए बच्चों की जिंदगियों से खेलना एक बेजरर सा मशगला। खैर मैं तुम्हारी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मैं नहीं समझता ऐसा। कुछ अरसा पहले तक तो आप ये भी नहीं समझ रहे थे कि आपकी अम्मी बातों बातों में मुझे बांझ होने का ताना देती, वो भी मेरा जहनी वहम था ना। रखी मेरी बात सुन, देखो मैंने तुमसे मोहब्बत किया और हमारी मोहब्बत का सबूत हमारी शादी है, और अम्मी के लिए ये शादी हमेशा से अना का मस्ताद था, है और रहेगा, इसके लिए वो हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात, यार एक तो मसला ये भी है कि उनकी कंडीशन तो देखो ना तुम, अब इस कंडीशन में मैं उनसे किसी बात में बहस करूं और मेरी तरफ से उनको कोई रंज पहुंचे तो। पहले कितने रंजती हैं तुम दोनों को। रक्षंदा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे अम्मी को ये बीमारी मेरी वजह से सोच सोच के हो गई, और जब मैं ऐसा सोचता हूं तो अपने आप को बड़ा गुनहगार समझने लगता हूं जिसकी कोई माफी नहीं है। बस इसी की तलाफी के लिए मैं अम्मी के साथ उलझता नहीं हूं। और अगर इसको फोकस करके उन्होंने किसी दिन निकाह हुआ और लड़की को इस घर में आके बिठा दी तो फिर क्या करूं? खैर अब ऐसा भी नहीं होने वाला, खामा खामा इतना डेप्थ में घुसने की क्या जरूरत है, इतना क्यों सोच लेती हो तुम यार, प्लीज प्लीज दादू प्लीज। जो बात हो नहीं सकती बार बार मत कहो मुझसे। क्यों नहीं हो सकती, सारा भी तो आगे पढ़ना चाह रही है ना, प्लीज आप मुझे भी एडमिशन लेने दें। तुम अच्छी तरह जानती हो फिर मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो, तुम क्या समझती हो मुझे सुकून मिलता वो मनोज के साथ दोहराकर? मेरा कलेजा फटता है, मेरे मासूम बेटे का घर बर्बाद कर दिया उस कलमुई ने, ना मेरे बेटे का सोचा ना तुम्हारा सोचा, ऐसी औरतें होती हैं। मुझे तो लगता है मनो मट्टी जाकर इस किस्से से निजात मिलेगी। आप भूल क्यों नहीं सकती हैं सब कुछ? तुम क्या समझती हो मैं जानबूझकर ये तस्वीर पढ़ती हूँ? दुनिया बहुत ज़ालिम है, वो भूलने नहीं देती। अच्छा ना दादू, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है और मुझे ग्रेजुएशन करनी है। आगा जान आ रहे हैं ना, आप उनसे बात करें, वो मुझे इजाजत दे देंगे। इनफैक्ट मैं खुद बात करूंगी उनसे। खबरदार जो उससे कोई बात की। 16 साल बाद आ रहा है परदेश से मेरा बेटा, कोई उल्टी सीधी बात मत करना। कि मैं तो सोच रही थी कोई अच्छा भला गुजारे लायक रिश्ता मिला ना तो तेरे बाप के सामने तेरा निकाह पढ़वा दूंगी और रुखसत करूंगी। मुझे मम्मी से नीलम के बारे में बात करनी चाहिए। आगा जान पाकिस्तान आ रहे हैं, यही मौका है जब मम्मी भी उनसे बात कर लेंगी। मुझे माफ कर दूंगा आप नीलम, मैंने आज जो किया बिल्कुल गलत किया नीलम, मुझे कसम खुदा की ऐसा नहीं करना चाहिए था नीलम। हाँ छोड़ी मेरा, मेरी बात सुनो नीलम। ऐसन भाई प्लीज मुझे जाने दे। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा नीलम। क्या हो गया है आपको? मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता नीलम, मुझे तुम चाहिए नीलम। ऐसे भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नीलम, प्लीज 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 मेरा साथ दो नीलम, हम कहीं भाग कर शादी कर लेंगे और फिर वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों होंगे, तुम्हें तंग करने वाला कोई भी नहीं होगा नीलम, कोई तुम्हें गालियाँ नहीं देगा। पागल हो गए आप, छोड़े मुझे। नीलम मेरी दादा, नीलम मेरी दादी, मेरी मेरी छोड़े मुझे दादी।
अपने बच्चे पे वारने के लिए सुबह से खुला मंगवा लिया था। शुक्र है अल्लाह ने ये घड़ी तो दिखाई। दादी क्या था अगर आप मुझे भी जाने देती हैं एयरपोर्ट आगा जान को लेने? सब जानती हो फिर भी फजूल जैसी बातें करती हो। क्या सब जानती हो, मैं कुछ भी नहीं जानती और मैं थक गई हूँ ये सुन सुनकर सब जानती हो हद होती है भाई। नीलम बेटा अपने आप को संभालो, बेकाबू ना हो। तुम्हारा बाप तुम्हें बेसहारा देखकर ना मुझे तरबियत का ताना देगा। दादी लगता है वो लोग आ गए, गाड़ियों की आवाज आ रही है, मैं देख कर आती हूँ। अरे नीलम अरे रुक जा। सरीन आगा जान मैं हूँ नीलम। कौन नीलम? आपकी बेटी नीलम। फयाज ये जरीन की बेटी है नीलम। अरे नीलम ना सलाम ना दुआ, सर झाड़ मुंह फाड़, मैं नीलम हूँ। अरे सारा पानी फेर दिया मेरी तरबियत और मेहनत पे तुमने, मेरे बेटे का रास्ता रोक के खड़ी हो गई है। सच आगा जान आपको देखकर मुझे याद ही नहीं रहा कि सलाम भी करना है। मैं समझी कि आप मुझे पहचानेंगे नहीं तो मैं फौरन से बता दूं कि मैं नीलम हूँ। आगा जान मैं इतनी खुशी और इतनी बेताबी से आपका इंतजार कर रही थी सुबह से, बल्कि बहुत सारे दिनों से। मैं इतने साल यहाँ क्यों नहीं आया, आप अच्छी तरह से जानती हैं। अम्मा जान मैंने आपसे कहा भी था कि नीलम को मत आने दे फयाज के साथ। आगा जान मैं आपको इतना मिस कर रही थी, मैं रोज सोने से पहले रात को सोचती थी और सुबह उठते वक्त भी पहला ख्याल यही होता था। मुझे पूरा यकीन था कि आप एक ना एक दिन तो मुझे लेने जरूर आ जाएंगे। अब चलो हट भी जाओ आगे से नीलम। ताई जान मैंने सब काम खत्म कर लिया है, किचन का भी। आगा जान आज तो मैंने आपकी सारी फेवरेट डिशेस भी बनाई है दादी से पूछ कर। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम वही जहरीली नागन हो जिसने मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया था। पढ़ो यहाँ से। लेकिन आगा जान मैं नीलम हूँ आपकी बेटी, मैं जरीन नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। किसी और के गुनाहों की सजा आप मुझे नहीं दे सकते। तुम रो रही हो? कितना जानते हो मुझे? तुमसे भी ज्यादा तुम्हें जानता हूँ, बल्कि इतना मैं खुद को नहीं समझता जितना तुम्हें समझता हूँ। झूठ। नहीं, बिल्कुल सच। आखिर तुम सच में मुझे खुद से ज्यादा जानते हो? तुम्हें पता होता कि इस वक्त मेरी आंखों में जो आंसू है खुशी के आंसू है। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। नीलम तुम इतनी खुश हो अगर तो ये खुशी तो लफ्जों में बयान भी नहीं की जा सकती, इतनी खुश हूँ। That's great. क्या? यही कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी नाकों में कभी आंसू ना आए, तुम्हारी वो सारी ख्वाहिशात पूरी हों जो तुम चाहती हो। इस तरह की दुआएं मत किया करो। क्यों क्या हुआ, तुम ही मांगती? मैं डरती हूँ आली अगर मेरी दुआ कबूल हो गई तो। ये तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। क्या मतलब? मैंने हमेशा से सिर्फ एक ही दुआ मांगी है और तुम्हें पता है उसमें से आधी तो पूरी भी हो गई है, आधी बाकी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी कबूल हो जाएगी। कौन सी दुआ? यही कि आगा जान पाकिस्तान आ जाए और वो आ गए। हमारी दुआ पूरी हुई।
आधी। और बाकी आधी क्या? यही कि वो मुझे अपने साथ वापस ले जाए और मुझे यहाँ कभी वापस ना आना पड़े। अज़र भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें ख्याल तो आया कि अपनी शक्ल अपनी माँ को अपनी बहन को दिखा दो? अरे भाई इसलिए तो मैं आ गया तुमसे मिलने के लिए। उफ़, मुझे तो इसको देख के हैरानगी हो रही है। जब मैं गया था अम्मा ये इतना छोटा सा था, अब माशाल्लाह मुझसे लंबा हो गया ये। अरे ऐसन को तो देखो, जब गए थे छोटा सा था और अब देखो कितना बड़ा प्यारा सा हो गया। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है आप, इन बच्चों को देख के लगता है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। और तुम सारा हो ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो जीती रहो।